औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 12 न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद असलम बलोच। ढांडला ख़ानदान का पस मंज़र, ढांडला ख़ानदान का सियासी पस मंज़र और अवामी खिदमत महाज की सियासत के हवाले से दूसरी किस्त आज हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कंटिन्यू रखे हुए हैं इस इंटरव्यू को, वो आप सबक MNA किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सबक सेनेटर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान ढांडला की ज़बानी दूसरी किस्त हम आप आज लाए हैं। दूसरी किस्त मुलाजा फरमाएं, लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर दूसरी किस्त के हवाले से जो सेनेटर सबक सेनेटर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान ढांडला का खसूसी इंटरव्यू जो है वो जारी रहेगा। के बाद हाजिर हैं नाजरीन सरदार सबक सेनेटर सबक MNA ढांडला ख़ानदान अवामी खिदमत महाज के सरबराह सेनेटर साबिक सेनेटर सरदार ज़फ़रुल्लाह ख़ान ढांडला के हमरा इंटरव्यू के सिलसिले को कंटिन्यू रखते हैं। आगे जो है हम इसको जारी रखेंगे। बात हो रही थी कि साबिक सेनेटर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ढांडला साहब, साबिक MNA ज़फ़रुल्लाह ख़ान ढांडला साहब की जो मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी है, ये मुस्लिम लीग नून से जो है वो MNA भी मुंतखब हुए और इन मियाँ साहब के साथ इनका गहरा ताल्लुक भी रहा। जी खान साहब, जी आप सुना। तो उस 1999 के बाद माशाल्लाह रहा जी, तो हम उस वक्त अपोजिशन में रहे, बार कैफ जो मुश्किल तरीन हालात हमने गुजारे, क्योंकि उस वक्त के माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर जनरल मुशर्रफ सदर पाकिस्तान भी थे, माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, आर्मी चीफ भी थे, तो उस वक्त भी हमने मुस्लिम लीग नून का साथ ना छोड़ा और मुस्लिम लीग नून का साथ डट के खड़े रहे। जब 2002 का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त चूँकि BA की शर्त थी, मैं BA नहीं था, मैंने अफजल खान साहब को मिन्नत की और मैंने कहा कि आप मेहरबानी करें इलेक्शन लें। उस वक्त की जमात जो काफ लीग के सदर चौधरी शुजात साहब से, वो बखर में आके इलेक्शन लड़ रहे थे और हमारे मुखालफीन उन्हें बखर पे ले आए इलेक्शन लड़ने को, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, वो ले आए थे। तो मुझे काफ़ी, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, कोशिशें की गई, मुझे बेशुमार आफरें भी दी गई, सियासी आफरें, बेशुमार मुझे धमकियां भी दी गई। तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मियां नवाज शरीफ लंदन में थे, मुल्क से बाहर थे, पूरी फैमिली मुल्क से बाहर थी और मेरी उनसे 35 साल जो रफाकत थी, मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता था। तो मैं ना धमकियों में आया, ना मैं किसी लालच में आया, ना ही किसी जो आफरे थी उसमें आया। तो मैंने अफजल ख़ान को, अपने छोटे भाई कज़न को जो शुजात के मुकाबले में 2002 इलेक्शन में इलेक्शन लड़ाया, उस वक्त अलग की ज़ात थी और मैं अकेला और मेरे साथ मेरे वोटर सपोर्टर और मेरे मुखलिस दोस्त थे। उस वक्त बखर के तमाम सियासी लोग जो थे वो इकट्ठे थे जो शुजात के साथ थे। तो इलेक्शन हमने लड़ा, इलेक्शन हम हार गए। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मैं दो दफ़ा इलेक्शन जीता। 1990 में मैंने 58,000 वोट लिए तो मैं MNA मुंतखब हुआ, दूसरी दफ़ा मैंने 69,000 लिए 1997 में तो मैं MNA मुंतखब हुआ। तो डॉक्टर अफजल ख़ान ने 76,000 वोट लिए लेकिन इंतखाबात वो हार गए या हराए गए, जैसे आप समझें, यानी 58,000 वाला MNA बन गया और 76,000 वाला हार गया। तो इसी तरह फिर वो दूसरा इलेक्शन 2008 में हुआ, तो उस वक्त भी वही पोजीशन थी, BA की शर्त थी, वही मुशर्रफ था, वही ब्यूरोक्रेसी थी, वही DCSP, वही सारी ब्यूरोक्रेसी जो पहले इलेक्शन में, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि पटवारी से लेके 2002 के इलेक्शन में आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान तक हमारी मुखालफत करने वाले थे। तो हमने हारना तो था, हार गए, वोट उसे हम नहीं हारे, 76,000 वोट उस वक्त नाम लेना आसान है, 76,000 वोट लिया हमने और 76,000 वोट
लेने के बावजूद हमें हराया गया, हमने तस्लीम कर लिया। फिर 2008 में जब इलेक्शन हुआ तो फिर दोबारा अफजल खान को मैंने इलेक्शन लड़ाया, वही सारे गवर्नमेंट थी। तो उस वक्त अफजल खान साहब ने, ये रिकॉर्ड की बातें मैं कह रहा हूँ, ज़बानी ऐसे मैं नहीं कह रहा, तो उस वक्त 2008 के इलेक्शन में अफजल खान ने 88,000 वोट हासिल की। 88,000 वोट लेके भी उसको हरा दिया गया, जिसका इजहार असेंबली फ्लोर पे मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन आदमी हर इजलास में करते थे कि हमारे एक ऐसे MNA हैं जिन्होंने 88,000 वोट लिए हैं और उसे हरा दिया गया है, और कोई हमारे ग्रुप से जीतने वाले ने 88,000 वोट नहीं लिए, वो वैद डॉक्टर अफजल खान ढांडला है जिसने मुस्लिम लीग नून के टिकट पे 88,000 वोट हासिल किया और वो हरा दिया गया। तो जब 2013 का इलेक्शन आया खान साहब, तो उस वक्त शर्त नहीं थी BA की, मैंने कहा मुश्किल तरीन दौर में जो दो इलेक्शन हुए, 2002 का और 2008 का, ये तो मार्शाला दौर के इलेक्शन थे। तो उस वक्त मैंने अफजल खान को इलेक्शन लड़ाया, तो अब अगर मैं कहूँ तो ये उसके साथ, अब मेरे कज़न के साथ मेरी ज़्यादती होगी। तो मैंने कहा अब हालात बेहतर हैं, आप इलेक्शन लड़ें 2013। तो वो 2013 में इलेक्शन लड़े और अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी दी। फिर वो दूसरी दफ़ा 2018 में इलेक्शन लड़े, फिर भी अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी। इस पे मैं आखिर पे यही कहूँगा कि जैसे मेरे बुज़ुर्ग असलम खान साहब, मोहम्मद अफजल खान ढांडला का मैंने सियासी ज़िंदगी और सियासी ख़ानदान की बैकग्राउंड के सिलसिले में आज तशरीफ़ आप लाए, आपने मेहरबानी फरमाई ताकि मैं अपने ख़ानदान का आपके सामने और आपके नाज़रीन के सामने अपने ख़ानदान की बैकग्राउंड और तारुफ पेश कर सकूँ। तो मैंने डिटेल से मुख्तसरा जो अर्ज़ किया, तो ये ढांडला ख़ानदान को इजाज़ है कि पाकिस्तान से पहले वो सियासत में थे, पाकिस्तान से बनने के बाद पाकिस्तान की पहली जो दस्तूर साज असम्बली बनी उसके मेंबर MLA मोहम्मद अफजल खान ढांडला मुंतखब हुए बखर से, ये भी इजाज़ है ढांडला ख़ानदान को। फिर मेरे वालिद साहब 70 की असम्बली में मेंबर नेशनल असम्बली मुंतखब हुए, ये भी ढांडला ख़ानदान को भी एजाज है, बाकी को भी है, बाकी भी बने हैं। लेकिन जो मजलिस से शूरा बनी थी, जैसे 1951 में मोहम्मद अफजल खान MLA बने, वो ढांडला ख़ानदान को एजाज, और जब मेरे वालिद साहब मजलिस से शूरा के मेंबर बने तो वो भी ढांडला ख़ानदान को एजाज हासिल हुआ मजलिस से शूरा का मेंबर बनने का। फिर मुझे भी अल्लाह ताला ने, जहाँ मैं अल्लाह की मेहरबानी और दोस्तों की मेहरबानी से मैं MPA बना, दो दफ़ा MNA बना, तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज था, बहुत बड़ी मेरे ख़ानदान का भी बहुत बड़ा एजाज है कि मैं 2012 में मेंबर सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हुआ, जो कि पाकिस्तान भर से मेंबर सेनेट ऑफ पाकिस्तान चारे सूबों से टोटल 100 मेंबरान मुंतखब होके आते हैं। तो मैं उन 100 मेंबरान में से, पाकिस्तान भर से जो 100 मेंबरान थे उनमें मैं भी मेंबर ऑफ सेनेट मुंतखब हुआ, जो मैं समझता हूँ मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए एजाज है। 1947 पाकिस्तान बनने से लेके आज तक बखर से मेंबर सेनेट ऑफ पाकिस्तान कोई ख़ानदान का फ़र्द नहीं बना, वो ढांडला ख़ानदान का फ़र्द मैं नाचीज़ को अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और मेंबर सेनेट ऑफ पाकिस्तान मैं बना और मुझे और मेरे ख़ानदान को एजाज हासिल। बहुत दिलचस्प और हमारे नाज़रीन के लिए भी ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, और ख़ानदानी ढांडला ख़ानदान का पस मंज़र जो आपने बयान फरमाया, थोड़ा सा आप पर्सनल इंटरव्यू भी, आपकी ज़ात की हद तक, आप कहाँ पैदा हुए? मैं
असलम खान साहब, मैं 1952 मई 1952 में मैं अपने आबाई गांव मिठू पैदा हुआ जी। और मैंने इब्तदाई तालीम जो है बस्ती बख्तावर बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में हासिल की। तो उसके बाद प्राइमरी तालीम मुकम्मल होने के बाद मैं बखर में या नैर कॉलोनी में एक स्कूल होता था, वहाँ मैंने कुछ साल डेढ़ वहाँ तालीम हासिल की। फिर मेरी सारी तालीम जो है जी वो गवर्नमेंट हाई स्कूल बखर मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। और फिर मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बखर जो कॉलेज था उसमें पढ़ता रहा, लेकिन मैं एफए का इम्तिहान ना दे सका क्योंकि ये उस वक्त की बात है। फिर मेरे वालिद इलेक्शन लड़ रहे थे 1973 में, तो मैं उस सेकंड ईयर की क्लासें अटेंड करने के बाद इम्तिहान ना दे सका। मकसद मेरा, मेरी सारी तालीम एफए तक जो मैंने हासिल की वो बखर में हासिल की। खान साहब, आपने अपनी दौरे इक्तदार में भी मुश्किल हालात में भी अपनी आवाम को तनहा नहीं छोड़ा और इलेक्शन में हिस्सा लिया, चाहे हालात जैसे भी होते रहे आप इलेक्शन हारते भी रहे, जीतते रहे भी रहे, इक्तदार में भी रहे, तो आवाम की खिदमत के हवाले से जो जज्बा आपके बुजुर्गों में था उसी को ही आपने कांटी रखा। और बखर के वैसे तो बेशुमार मसाइल हल भी हुए होंगे, उनमें जो काबिल जिक्र हूँ जो आपने इस दौरान कोशिश की हो। मैं गुजारिश करूँ जी कि जैसे आप फरमा रहे हैं कि मैंने अपने बुज़ुर्गों को बुज़ुर्गों के बाद उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए जो मेरे दादा जो मेरे वालिद जो मेरे ख़ानदान के बाकी लोग ने आवाम की खिदमत का एक जज्बा रखते थे मैंने उसे आगे बढ़ाया। और जो मुमकिन हो सका लोगों के जो मसाइल मैं हल कर सकता था मैंने अपने दौर इक्तदार एमपीए एमएनए और सेनेट में होते हुए जिस नेकनीति से मैं कर सकता था मैंने वो बखर के आवाम की नेकनीति से खिदमत की और बखर की पसमानदगी के लिए हर जगह पे आवाज़ उठाई। और वसाइल के महदूद वसाइल महदूद ज़राए के बावजूद हम जितनी कोशिश कर सकते थे। एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि लोग कहते हैं ना कि बखर की डेवलपमेंट, मैं ये बरमला आपको कहना चाहता हूँ कि जब 82 में ज़िला बना तो ज़िला बनने के बाद तो ऑटोमेटिकली बखर ज़िले की निस्फ पसमानगी तो दूर हो गई। डेवलपमेंट 82 में ज़िला बनने के बाद शुरू हो गई, उसकी वजह क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट हेड्स थे वो मियांवाली बैठते थे, तमाम डिस्ट्रिक्ट हेड्स के दफातर बखर में बने, उनकी रिहाइश गाहें बखर में बनी, सेशन कोर्ट सिविल कोर्ट बने, डीपीओ ऑफिस बने, डीसी ऑफिस बने, तहसील ऑफिस बने, अकाउंट्स ऑफिस बना, जेल बनी, जो भी ये चीज़ें बनी ये डिस्ट्रिक्ट बनने की वजह से सारी चीज़ें बनी। जो कि ये डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले सारी जिन चीज़ों का मैं इजहार कर चुका हूँ ये मियांवाली में थी। डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद ये सारी चीज़ें जो थी वो बखर में बनी, जिसमें ये आप देख लें कि हमारी इतनी खूबसूरत कम्प्लेक्स बनाया दफातर का कि सेशन कोर्ट सिविल कोर्ट एडिशनल सेशन कोर्ट बोकला के चैम्बर डीपीओ ऑफिस डीसी ऑफिस एसी ऑफिस तहसील ऑफिस अकाउंट ऑफिस सब एक ही जगह पे बने हैं। और उनकी रेजिडेंस हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये सारा जंगल होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह पे जाएं तो हमें एक डेवलपमेंट नज़र आती है। जिसने पहला बखर देखा हुआ था अब वो
दरियाई नाला जो गुजर रहा है बखर से, उसकी शर्क की साइड पे ये जंगल होता था, झाड़ियाँ होती थी। तो आज वहाँ पे कॉलोनियाँ भी बन रही हैं, वहाँ पे दफातर और उनके रेजिडेंट्स और बेशुमार कॉलेज, कमर्शियल कॉलेज, दूसरे कॉलेज, उनकी बिल्डिंगें बन गई हैं। तो वहाँ देख के दिल खुश होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद ये बखर में जो ये डिपार्टमेंट बने, जो डिपार्टमेंट रिहायशें बनी, साथ कॉलोनियाँ बनी, ऑफिशियल कॉलोनियाँ बनी, तो ये देख के खुशी हासिल होती है। और सबसे मेन चीज़ है कि बखर लोगों को जो 130 किलोमीटर किसी सिलसिले में मियांवाली जाना पड़ता था, तो डिस्ट्रिक्ट बनने से ये बखर की आवाम को फ़ायदा हुआ कि हम वो जो मियांवाली का सफ़र तय करके जाते थे, वो हमें सफ़र तय नहीं करना पड़ता। डिस्ट्रिक्ट बखर के अंदर ही हमारे तमाम डिपार्टमेंट मौजूद हैं और लोगों के जिस डिपार्टमेंट के मुतलका मामलात हों, वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हल होते हैं। इस दौरान आपने बहुत बड़ी खिदमत की लोगों की, बेशुमार मसाइल आवाम के हल भी कराए। आपको इस दौरान ज़्यादा खुशी किस बात पे हुई और अफसोस किस बात पे होता है, दुख होता है किसी वजह से? देखिए जी, हमें सबसे ज़्यादा खुशी तो ये हुई जी कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि देखिए, कोई भी सियासी तौर पे इज़्ज़त मिले, जिस वजह से मिले, अवामी हिमायत से मिले, ज़ाहिर है अवामी हिमायत से ही इज़्ज़त मिलती है। अवाम ही सबसे बड़ी ताकत है, अवाम ही ताकत का सरचश्मा है, और अवाम ही की मदद से आदमी असम्बलियों तक पहुंचता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो ये हो रही है आपके इंटरव्यू में कि मैं अपने बुज़ुर्गों का जो हकायक पे मबनी बैकग्राउंड मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, क्योंकि मेरे दादा को जो एजाज़ हासिल हुआ, मेरे वालिद को जो एजाज़ हासिल हुआ बखर के नाते से और बखर की खिदमात करने से, वो मुझे भी हासिल हुआ, तो ये खुशी हुई। दूसरी मुझे खुशी सबसे ज़्यादा जो हुई, वो मैं कहता हूँ कि तहसील बखर एक पसमानदा तहसील थी, इसको जब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला, तो आज भी मेरे वालिद साहब मुझे याद आते हैं कि उन्होंने इसको ज़िला बनाने में जो जद्दोजहद की, जो मेहनत की, और अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत को ज़ायो नहीं किया, बल्कि उनकी मेहनत की बदौलत बखर को ज़िले का दर्जा मिला। तो मुझे ये सबसे बड़ी खुशी होती है, सबसे बड़ी खुशी होती है। बाकी खान साहब, दुनिया के बेशुमार मसाइल हैं, हम चाहते हैं, नेक नीति से चाहते हैं कि कोई भी अगर किसी का मसला हो, जायज़ मसला हो, तो वो जायज़ मसला फौरी हल होना चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, लोगों के मसाइल उनके हल होने चाहिए, बजाय किसी रुकावट के हल होने चाहिए। और हमारी ख्वाहिश रही है पूरी सियासी ज़िंदगी में कि हम लोगों के मसाइल में जितना जल्दी उन्हें रिलीफ दिला सकें, जितनी उनकी खिदमत कर सकें, वो उतनी कम है। लोगों के एहसानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जो हमें मुंतखब करते हैं। खान साहब, आपके ख़ानदान के बारे में ये भी है कि ये जिसको भी मिलते हैं मुस्कराते हैं, खुश इखलाक हैं कि हमारी इज्जत करते हैं, इसकी वजह? देखिए जी, हर इंसान जो है खान साहब, वो ये छोटा होना, बड़ा होना, अमीर होना, गरीब होना, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, लेकिन इंसान तो सब बराबर हैं, सबकी जो इज़्ज़त है मैं समझता हूँ वो बराबर है। तो हमारे ख़ानदान की शराफत समझ लें, शराफत की सियासत समझ लें। हमने कभी सियासत को ज़ाती इख्तलाफ़ में तब्दील नहीं किया, हम सियासत को सियासी हदूद तक रखते हैं, ज़ातियात पे नहीं उतरते। चाहे वो किसी के साथ इलेक्शन लड़े, ना उनसे कोई ज़ातियात होता है, चाहे को हमें वोट ना दे, कभी उनसे ज़ातियात पर नहीं उतरे। कोशिश रही है कि कोई भी हो उसको इज़्ज़त देना हमारे अपने
बस में है, उसको इज्जत से मिलें, इज्जत से बिठाएं, इज्जत से गुफ्तगू करें, तो वो अपनी इज्जत होती है। किसी की कोई इज्जत करता है तो कोई उसकी भी इज्जत करता है, तो ये हमारा असूल रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है खान साहब। दूसरा ये है कि आपने 35 साल रफाकत आपकी मुस्लिम लीग नून से रही है, तो मौजूदा दौर में जो पीटीआई का जो आपने इलेक्शन आपके डॉक्टर साहब ने लड़ा है और आपके पूरे पैनल ने, इसकी वजह क्या थी? सर इसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी जी, लोग इसे जो भी रंग दें, मैं समझता हूँ कि 2002 से कोई ये मुश्किल इलेक्शन नहीं था हमारे लिए। मैं 35 साल बरमला अब भी कहता हूँ और ये रिकॉर्ड पे भी है कि मैंने 88 से मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से रबता मेरा हुआ और मैं उस वक्त से लेकर मैं 2018 तक मैं भी और मेरे जो पार्टी के दोस्त थे, मेरे अजीज थे, वो मुस्लिम लीग नून के साथ मुंसलिक रहे। और कोई ये भी मैं बरमला कह दूँ कि ना ही मैं कोई मराज याफ्ता हूँ, ना ही मैंने इस 35 साल के अंदर कोई अपनी जमात से कोई मराहत हासिल किया है। बस मैं एक असूल पे जहाँ मैंने फैसला किया कि मैंने फिलहाल जमात के साथ रहना है और उसके लीडर जो मोहम्मद नवाज शरीफ है उसके साथ रहना है, तो मैंने 35 साल अपने उस असूल और अपने दिल से जो फैसला किया उसका साथ देते हुए मैंने 35 साल गुजारे। अब ये जो इलेक्शन हुआ 2018 का, तो इसमें मेरे MPA दोनों और मेरे कज़न, मैंने कभी छुपाई नहीं बात, दो नंबरी नहीं की, डबल गेम मैंने कभी नहीं की। 35 साल नवाज शरीफ के साथ रहा, मुश्किल वक्त में भी, अच्छे वक्त में भी, तो मुस्लिम लीग नून का झंडा मेरे घर पे लगा रहा, किसी की जुरत नहीं उसे उतारने की, ना उतरा। तो ये इनका फैसला था कि हमने तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है, तो इन्होंने शमूलियत अख्तियार की। इन्होंने जब शमूलियत अख्तियार की तो मुझे मजबूरन, मैं चूँकि ज़िला कौशल का मुस्लिम लीग नून ज़िला बखर का सदर भी था, मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो कि वो भी मेरे लिए एजाज़ था कि पाकिस्तान भर से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 20 से 25 मेंबरान होते हैं पूरे पाकिस्तान से, मैं मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी मेंबर था। अभी हुकूमत थी तो मैंने सोचा कि अब अगर मैं अपने दोनों MPA आमिर नैज शाहानी, मलिक गजनफर अब्बास चीना और डॉक्टर अफजल खान जो मेरे कज़न हैं, उनके इलेक्शन में उनके वोट ना मांगूं तो मेरे लिए मुश्किल होगा, मैं उनके लिए वोट मांगूं तो मेरे लिए ये मुश्किल होगा कि कोई भी मुझ पे सवाल कर ले कि आप मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं और वोट मांग रहे हैं आप तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर को। तो मैंने उसी वक्त जब इन्होंने ऐलान किया और शमूलियत अख्तियार की, मुझे किसी ने मुझसे ना सदारत का इस्तीफ़ा मांगा, ना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इस्तीफ़ा मांगा। तो मैंने इखलाकी तौर पर ये सोचा कि मैं मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी इस्तीफ़ा दे दूँ और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबरशिप से भी इस्तीफ़ा दे दूँ, ताकि मुझ पर कल कोई उंगली ना उठा सके कि आप मुस्लिम लीग में होते हुए तहरीक इंसाफ के वोट मांग रहे हैं। तो मैंने इसी वजह से उन दोनों ओहदों से इस्तीफ़ा दिया और फिर इनकी मैंने मकामी तौर पर, मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं इनकी सपोर्ट करूँ ताकि अल्लाह ताला इनको कामयाबी अदा करे। जो खान साहब आपने इस्तीफ़ा दिया, आपका क्योंकि प्यार और मोहब्बत और रफाकत क्योंकि दहरीना थी, तो क्या मुस्लिम लीग नून की तरफ से आपका इस्तीफ़ा आसानी से कबूल कर लिया गया या कोई रब्ता किया नहीं, गया? उसमें देखो जी, उसमें जो रीज़न था वो बड़ा जेन्युइन था
मैंने उसमें यही लिखा कि क्योंकि मेरे कज़न मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ के में शमूलियत अख्तियार कर ली है और अब मैं इखलाक की मेरा जवाब बनता है इखलाक की तौर पे मैं मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मेरा इस्तीफ़ा मंजूर फरमाया जाए और मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ तो मेरा इस्तीफ़ा मंजूर फरमाया जाए। तो उन्होंने मुझे कोई मतलब इस्तीफ़ा मंजूर करने में इन्फॉर्म नहीं किया, बस वो मैं जब इलेक्शन पे ओपन जलसों में तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डरों की मदद कर रहा था तो ज़ाहिर है फिर मेरा इस्तीफ़ा तो उन्होंने मंजूर करना ही करना था। ये तो नहीं हो सकता कि कुछ लोग कहते हैं, मैं जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी ज़ात का इंटरव्यू है, मेरे ख़ानदान के बैकग्राउंड का इंटरव्यू है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ज़फ़र ख़ान डबल गेम कप्तान, मैं 35 साल रहा नून के साथ डट के रहा खड़ा रहा, कोई मुझ में लचक पैदा नहीं हुई ना ही किसी और जमात में जाने का सोचा 35 साल में। जब मुस्लिम लीग से अलहदगी हुई तो तहरीक इंसाफ में मेरे कज़न थे तो समझो मैं था तो उनके साथ खड़े हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि जी मैं तो नहीं हूँ तहरीक इंसाफ में, मेरा कज़न तहरीक इंसाफ में, ऐसी सियासत कभी की नहीं। खान साहब, आपका कज़न डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब भी खुश इखलाक पढ़े लिखी शख्सियत और इलाके के लिए वो भी इसी तरीके खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आपके इतिहादी मतलब गज़नफर अब्बास चीना और MP आमिर अनायत खान शाहन, इनकी मौजूदा कारकर्दगी से जिस तरह आपका अपना तजर्बा है, क्या ये इनकी सिस्टम को आवाम की खिदमत को सही तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं? देखें सर, इसमें गुजारिश ये है जी, जो हकीकत है जी, मतलब है कोई इलाके की डेवलपमेंट के हवाले से या लोगों के मसाइल हल कराने के सिलसिले में ना ही कोई मलिक गज़नफर अब्बास ने कसर छोड़ी है। जहाँ तक वो हो सका उसने अपने थल के इलाका और चक्कू के इलाका अपने पूरे हलके की नुमाइंदगी दयानतदारी से की है, डेवलपमेंट के सिलसिले में दयानतदारी से काम किया है और कोशिश किया है कि हमारे, मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े प्रोजेक्ट मलिक गज़नफर अब्बास चीना ने अपने तहसील मनकेरे के अंदर शुरू कराए हैं, जो ग्राउंड पे शुरू है, जैसे दानिश स्कूल है, जैसे आप दानिश स्कूल जैसा मनसूबा, बहुत बड़ा अरबों रुपए का मनसूबा, कॉलेज है वहाँ पे, हैदराबाद में गर्ल्स डिग्री कॉलेज हैं, सड़कें हैं, कारपेट सड़कें हैं, मतलब है बेशुमार स्टेडियम मंजूर हुआ है, मतलब है जो ग्राउंड पे काम हो रहा है। तो उन्होंने बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट, लोग कहते हैं तो दानिश स्कूल से मेगा प्रोजेक्ट कौन सा बड़ा हो सकता है, जो 1 अरब का गर्ल का बनेगा दानिश स्कूल, 1 अरब का बॉयज का दानिश स्कूल बनेगा, तो इससे बड़ा मंसूबा, बेशुमार मंसूबे हैं, लेकिन आज मंसूबे गिनने का किसी वक्त फिर असलम खान कहेंगे तो वो तो लिस्ट देंगे और जो ग्राउंड पे हुए हैं मंसूबे वो। तो मलिक गज़नफर अब्बास चीना की कारकर्दगी से हम बिल्कुल मुतमईन हैं। जहाँ रहा तालक आमिर नायर खान का, तो उसने भी, सच्ची बात है कि बखर के कच्चे में आप देखें कि सड़कों के जाल बिछवाए हैं, काम किया है, मेहनत करता है, नौजवान है, उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी कारकर्दगी से वो इलाके की खिदमत कर रहे हैं। तो हमारे दोनों MP, चाहे मलिक गज़नफर अब्बास चीना हो या मलिक आमिर इनायत खान शाहनी हो, उन्होंने बड़ी नेक नीति, दिल लगी और बड़े जज्बे के साथ अपने हलके में काम भी करवाए, मेहनत भी कर रहे हैं और उनकी कारकर्दगी से हम मुतमईन हैं। खान साहब, मौजूदा हुकूमत के दौर में अभी जो सिलसिला टेस्ट चल रहा है वो महंगाई का है, ख़ास तौर पे चीनी, आटा और दीगर खुर्द नोश खाने पीने की अशिया, मेडिसन, ये बड़ी महंगी हो चुकी हैं। क्या इस हवाले से आपके, आपका एक्सपीरियंस, तजर्बा आपका क्या कहता है कि ये गवर्नमेंट के हवाले? देखिए जी, ये लंबी डिबेट हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, आप बजा फरमा रहे हैं कि महंगाई है, ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो महंगी हैं,
और जो गरीब या मुतवस्त तबके के लोग हैं वो इस महंगाई की वजह से बेहद परेशान हैं। और मैं तो यही कहूँगा जी कि गवर्नमेंट को इस पे सारी चीज़ों को छोड़ के महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो भी इकदाम उठाने पड़े, जो भी इकदाम करने पड़े, तो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं, जैसे आपने चीनी, आटा, सब्जियां, दालें, अद्वियात का ज़िक्र किया है, इनको गरीबों की पहुंच तक लाना चाहिए और इन्हें सस्ता करना चाहिए। खान साहब, इलेक्शन भी शायद पहले डेट अनाउंस हुई फिर आगे बढ़ा दी गई सिलसिला, लास्ट मेरा ये सवाल है क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन हो सकता है कि किसी वक्त भी अनाउंस हो जाए, तो बल्दियाती इलेक्शन की आपके ग्रुप ने किस तरह तैयारी की होगी? देखिए जी, अब अखबारात में तो जो तजिए देखते हैं, देखने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, उनका हक है अपनी हर अखबार के तजिया निगार जो हैं या रिपोर्टर जो हैं वो अगर अपनी एक राय लिखते हैं तो उस पर कोई इतराज़ नहीं है, उनको जो उनकी समझ में आता है, जो उनकी मालूमात होती है उसके मुताबिक वो लिखते हैं, तो वो उस पर किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए, मुझे कभी इतराज़ नहीं होना। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है असलम खान, तो सियासी घराने जितने भी हैं वो तो रोज़ाना ये लिखते हैं ना तैयारी, वो तो रोज़ाना की बुनियाद पे तैयारी है। यहाँ 50, 100, 200 आदमी हर डेरे पे, हर सियासतदान के डेरे पे मसाइल लेके आते हैं, तो यही रابطہ होता है कि अवाम के साथ रابطہ रहे, तो वो तो हमारा रोज़ाना की बुनियाद पे रابطہ होता है, नंबर एक। नंबर दो, जब इलेक्शन की डेट करीब होती है या शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो तमाम पॉलिटिकल मकामी जो ग्रुप्स हैं वो उस वक्त अपने दोस्त अहबाब जो हैं, अपने वोटर सपोर्टर्स जो हैं, अपने मुखलिस जो साथी हैं, उनकी मीटिंग बुला के उनकी मशावरत के साथ वो फैसले करते हैं कि किसको कौन सा इलेक्शन लड़ना चाहिए, किसको कौन सा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ और इलेक्शन होने जा रहे देखे गए, तो इंशाल्लाह हमारा ग्रुप, ढांडला ग्रुप, तमाम अपने दोनों हमारे एमपी आमिर इनायत खान, यानी ये फिक्र मैं ढांडला ग्रुप जिसमें ढांडला खानदान, जिसमें शाहानी खानदान, जिसमें चीना खानदान और इनके अलावा जो हमारे वोटर सपोर्टर और हमारे साथी और हमारे दोस्त, हमारे मुखलिस सिटी के अंदर जो हैं, जो रूरल एरिया के अंदर हैं, उन सब की मशावरत के बाद हम फैसले करेंगे और भरपूर बल्दियाती इंतखाब में हिस्सा। अभी तक आपने म्यूनसिपल कमेटी या तहसील कौंसिल के इलेक्शन का उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया, मशावरत के बाद ही करेंगे? अभी तक किसी सीट पे, किसी वार्ड पे किसी किस्म का कोई भी फैसला नहीं किया गया। जब मैंने अर्ज़ किया इलेक्शन होगा, पार्टी मशावरत के साथ, दोस्तों की मशावरत के साथ, मशावरत के बाद अपने उम्मीदवारों का ऐलान करें। बहुत शुक्रिया। लास्ट फिर भी एक मेरा सवाल लास्ट में रहेगा, क्योंकि आपने अपनी सियासत अपने बुज़ुर्गों से और उनका ख़ानदानी पस मंज़र जो ढांडला ख़ानदान का था वो आपने हमारे नाज़रीन तक आपने पहुंचाया, जो अपने वाले साहब की खिदमत और मौजूदा डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब, आप खुद और आपने सारी आपने खिदमत और इसके अलावा आप मुकम्मल तारफ़ करवाया। लास्ट, जो नौजवान आपके ख़ास तौर पर जो अभी जो नौजवान आपके पढ़े लिखे जो इंटर में हैं, समझो इलेक्शन में, सियासत में या लोगों की खिदमत में, तो इनमें से डॉक्टर अफजल खान ढांडला के साथ साथ जो मज़ीद सपोर्ट कर रहे हैं आपको, उनमें से कोई दो तीन ढांडला ख़ानदान फैमिली के नौजवान जो आपको पसंदीदा या आपके तजर्बे के मुताबिक आपको नज़र आ रहा हो कि ये ज़्यादा खिदमत कर सकेंगे नेक्स्ट? देखिए जी, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि
अल्लाह का बड़ा करम रहा है हमारे ख़ानदान ढाला ख़ानदान पे कि जब भी हम दो चार लोगों ने बैठ के जो भी फैसला किया, जो भी इलेक्शन हुआ, तो हमारी सारी बिरादरी ढाला ख़ानदान ने उस फैसले को तस्लीम किया और उस फैसले के साथ खड़े रहे। अब भी हमारे जो नौजवान हैं उनमें सबसे मेन मैं समझता हूँ हमारे ज़ियाउल्लाह खान ढाला, हमारे छोटे भाई हैं एहसानुल्लाह खान मरहूम के बेटे हैं, वो मेरी भी मदद करते रहे हैं हर इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद भी मेरी जो हेल्प है वो मेरे साथ रही उनकी, और उसके बाद खान अफजल खान ढांडला, अब अल्लाह ताला ने उसे MNA बनाया तो वो पढ़ते रहे हैं काफ़ी अरसा, पाकिस्तान में भी पढ़े हैं, पाकिस्तान से बाहर भी पढ़े हैं, तो अब वो भी खिदमत कर रहे हैं। तो जितने छोटे नौजवान हमारे हैं जी, तो उसमें अली ख़ान साहब भी उनकी हेल्प करते हैं, खुशियाँ शादियाँ गमियाँ पूरे हलके के अंदर वो जाते हैं। इसी तरह ज़ियाउल्लाह खान का मैंने जैसे अर्ज़ किया, हमारे भाई हैं वो भी हमारी मुकम्मल हेल्प करते हैं। अब सुहेल ख़ान साहब चूँकि मेडिकल करके आया है तो ये नहीं इसने कोई नौकरी हासिल किया है ना ही कोई क्लिनिक बनाया, तो वो भी हमने कहा कि आप हेल्प करें क्योंकि इजाफी आबादी में फौतगियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, काम बहुत ज़्यादा हैं, तो वो भी एक्टिव रोल प्ले करते हैं अपने अफजल ख़ान का हाथ बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही नईम इकबाल खान डांडला हमारे छोटे अजीज हैं, वो भतीजे हैं हमारे भतीजे। तो वो भी जिस हद तक कर सकते हैं वो अफजल ख़ान का हाथ बिठाने में उनकी मदद करते हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, खान साहब का बेहद शुक्रिया। सरदार ज़फरुल्लाह खान ढांडला साहब साबिक सेनेटर और साबिक MNA जो आप तक हम कोशिश कर रहे थे कि मुकम्मल इनका जो है इंटरव्यू आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका जो शुमार है वो पाकिस्तान के नामवर कदवर शख्सियात में शुमार होता है, और इनकी जो हिस्ट्री है वो यकीनन कदीमी है, और दादा से लेकर पाकिस्तान बनने से अब तक हमने कोशिश की है कि आप तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन इंटरव्यू बहुत ही लंबा है और आपको सुनने में मज़ा भी आएगा, आप सुनते भी रहें और देखती रहें 12 News। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर भी हम एक बार खान साहब का आपको इंटरव्यू के बाद जो इनके तरक्याती काम हैं जो बकर के लिए आवाम के लिए जो इन लोगों ने खिदमात सर अंजाम दिए हैं वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर कोशिश करेंगे खान साहब से टाइम लेने की। अब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन अभी आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे साबिक सेनेटर साबिक MNA मोहम्मद ज़फरुल्लाह खान ढांडला की ज़बानी अवामी खिदमत महाज, और ढांडला ख़ानदान का सियासी पस मंज़र और ढांडला ख़ानदान का पस मंज़र आप तक हमने पहुँचाया है। उम्मीद है कि आपको पसंद होगा। इंशाअल्लाह ताला एक दिन 12 News के साथ प्रोग्राम नेक्स्ट एक ख़ानदान का इंटरव्यू करेंगे। अब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, असलम बलोच को अल्लाह हाफिज़।